धोलावाटा स्थित फ्रीट कॉरिडोर की आवक्त जमीन पर हुए अतिक्रमण को सोमवार को जिला प्रशासन की मदद से हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और अतिक्रमियों के बीच कहासुनी हो गई। प्रशासन की समझाइश के बाद ट्रैक के पास की जमीन को मुक्त करा लिया गया। नोटिस देने के बाद सोमवार को प्रशासन डीएफसीसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचा, जहां मकान तोड़ने के डर से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इस बीच ग्रामीणों की पुलिस प्रशासन से कहासुनी भी हो गई। धोलावाटा से चौहानों का कुएं पर रहने वाले ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन अवैध तरीके से जमीन हथियाना चाहता है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। 5 दिसंबर को लिख के दिया कि बोले ये खसरे तुम्हारे जो हैं ये एक्वायर में नहीं है। उन्होंने एनओसी दे दी और उन्होंने रेवन्यू मैप का हवाला दिया है कि क्षेत्र 0, 20 और 18 विवादित खसरा है, जिसका सीमा ज्ञान करना संभव नहीं है। और मौके पे जीर्ण हालत में नक्शा है और मुस्तकिस पॉइंटों का अभाव है। ये लिख के देने के बाद भी इन्होंने अवैध तरीके से जेसीबी ला के और हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करी है। इससे पहले जितने भी एसडीएम थे सबको मैंने राइटिंग में 6 साल से लिख लिख के दिया, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। इन्होंने एनओसी दी तो हम चुपचाप बैठ गए भाई कि अब हमारी जमीन एक्वायर नहीं होगी। और ये 11 नवंबर को मेरा ये मकान तोड़ने आए थे, जब इन्होंने मकान के अंदर घुस के तोड़फोड़ करी, उसके लिए भी माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किया गया, उसकी 6 तारीख दी। इन्होंने गलत तरीके से एफआईआर लगा के पेश कर दी, जिसका विरोध करने के लिए 6 तारीख दी गई है। अभी उसका भी इन्होंने इंतजार नहीं करा, आज वापस वही हरकत करी है। दल बल सहित आके जेसीबी चला रहे आप लोगों के सामने। कागज वगैरह मांगे इनसे तो मकान तोड़ने संबंधी तो कोई आदेश थे नहीं इनके पास में। हाँ, जमीन के संबंधी कुछ इन्होंने कहा कि हम रेलवे की जमीन लेना है, उस संबंध में हमारा विरोध था कि भाई जो इस किसान की जमीन है उसको जबरदस्ती ना ले, रेलवे की जमीन है रेलवे की ले ले। मकान संबंधी इन्होंने कहा एसडीएम साहब ने और पुलिस ने जो भी रिकॉर्ड और कागज देखते हुए कहा कि हाँ ये मकान एक्विजिशन में नहीं है और इसको हम जो है पजेशन नहीं लेंगे, नए सिरे से इसके मकान का अवार्ड बनाएंगे। और अभी जो कब्जा लिया जा रहा है वो रेलवे की जमीन का लिया जा रहा है, किसान की जमीन जो है इसको नपा के इसको सौंप दी जाएगी। और थोड़ी सी गर्मा गर्मी जरूर हुई है लेकिन शांति से इस मुद्दे को समझा लिया है और सारी एसडीएम साहब को सारी एक एक चीज़ हमने बता दी है कि भाई ये जो लैंड एक्विजिशन जो हुई है ये सबसे गलत हुई है। तो सारी गलत की रिपोर्ट सारे दस्तावेज वगैरह हमने एसडीएम साहब को बता दिए, एसडीएम साहब ने सारे दस्तावेज मानकर कागज़ देख के और मौके पे मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि मकान को किसी भी रूप में तोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी ज़बरदस्ती किसी का मकान नहीं लेंगे, इस विषय पे बात हुई है। तो इससे सहमत होकर अभी जो है मामला अभी आपस में बैठ के इन्होंने सुलटा लिया है। रेलवे की जो ज़मीन है कुछ मीटर की रेलवे लाइन के पास की, उसको ले रहे हैं और एक्विजिशन नए सिरे से करने का आश्वासन दिया है। वहीं एसडीएम अशोक मीणा का कहना है कि डीएफसीसी आवप्ति के लिए प्रशासन मौके पर पहुंचा है। ट्रैक से 23 मीटर जमीन परियोजना के तहत आवप्त की गई है, बाकी जमीन का नोटिफिकेशन निकालकर मुआवजा देकर आवप्त की जाएगी। अभी तो फिलहाल हमने डीएफसीसी प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन एक्वायर हुई थी 1963 में केवल उसी के पोजीशन मौके पर लेने आए थे। हालांकि लोगों की आपत्ति थी कि हमारे मकान वगैरह वहां बने हुए हैं, लेकिन मकान वगैरह को हमने छोड़ते हुए बाकी जो 23 मीटर तक रेलवे ट्रैक से 23 मीटर तक जो ज़मीन रेलवे रिकॉर्ड में है वही हमने उसी पे आज जेसीबी चला के साफ़ करवा के डीएफसीसी को पोजीशन में देने की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी के जो मकान जो रह गए हैं इन मकान का नोटिफिकेशन हमने नियमानुसार भूमि वापसी कानून के अनुसार कर दिया गया है और उसका दोबारा कंपेंसेशन बन के इनको भुगतान कर दिया जाएगा। इनका भुगतान करने के उपरांत ही वो जमीन हम डीएफसीसी को सपोर्ट करेंगे।